सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। देखिए, मैंने पिछले जो वीडियोस डाले हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग टेबुलेशन को पढ़ चुके हैं, सारणियन को। उसको जो बच्चों ने नहीं देखा है बेटा, क्योंकि ये पांचवी यूनिट का आखिरी वीडियो है और पांचवी यूनिट से आप लोगों को यदि 30 नंबर लाने हैं तो आप ये चार पाँच वीडियो देख लोगे तो यकीन मानिए कि आपके 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। तो इस यूनिट को आप लोग फोकस कीजिए और इसके बाद आप लोग यदि आज 6 बजे तक मेरे साथ बने रहते हो ना यूट्यूब पर, तो मैं पूरे 100 नंबर के पेपरों के जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, वो धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। आज एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जितनी देर में वो अपलोड होता है तब तक मैं दूसरा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक पूरा सिस्टम आज पूरे दिन चलेगा और मेरा उद्देश्य है कि शाम को 6 बजे तक मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें साझा कर दूंगा। आप लोग यदि बने रहोगे चैनल पर तो सवेरे तक तो आप लोग ये मान के चलो कि अपना पेपर कर पाओगे बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहेगी आप लोगों की। और डायरी ले लेना, पॉइंट्स नोट कर लेना। और ये तो चूंकि बहुलक का टॉपिक है जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। बहुलक यानी जिसका लक सबसे ज्यादा होता है, ये मेरा खुद का नहीं है, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने इस ट्रिक को अपनाया था। बहुलक यानी जिसका लक ज्यादा होता है, यानी जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, उसको हम लोग भूष्टक बहुलक या मोड कहते हैं। जेड इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो अब समांतर माध्य हम लोगों ने ज्ञात करना सीख लिया, मध्यिका सीख लिया, बहुलक बचा। और जैसे ही आप लोग बहुलक को कंप्लीट करते हैं तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करने में सफल होंगे, पहले जो पांचवी यूनिट है उसको। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ उसके वीडियो जो है साझा करूंगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि एनी हाउ हम लोग इस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलें कि काफ़ी सिलेबस आप लोगों का मेरी तरफ से कवर हो जाए। हालांकि मैं डिले हो गया तो इसके लिए तो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। चलो, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बहुलक के बारे में मैंने आपको बता दिया बेटा कि बहुलक होता क्या है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए, मैं पुनः फिर बता दूँ कि आप लोगों के एग्जाम में जो बहुलक आता है वो खंडित श्रृंखला का नहीं आता है, ना व्यक्तिगत श्रृंखला का आता है, सिर्फ सतत श्रृंखला का ही आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से, तो हम लोग अभी भी आप लोगों के साथ मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो वही दूंगा। तो एक तो बहुलक का आप लोग जो प्रोसेस है मैं आप लोग को समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, बहुलक का फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैं कोशिश ये करूंगा। एक तो आप लोग पहले तो वर्ग अंतराल डाल दो, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, और हम लोग ज्ञात कर रहे हैं मॉड यानी बहुलक, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है जेड। तो ये कैलकुलेशन अब हम लोग निकालने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। और आप लोग 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50, ये मैं बुक से ही शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है थोड़ा सा मुश्किल होती है। और इसके बाद हम लोग आवृत्ति, अब इसको आप लोग जो है एक प्रकार से अंक बोल सकते हो या प्राप्तांक, मार्क्स ये है हमारे। और इधर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जहां नंबर ऑफ होते हैं ना वो आवृत्ति होती है, हमेशा ध्यान रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट। और कई बार सीएफ दी हुई होती है, यानी यदि आवृत्ति हमेशा बढ़ते हुए क्रम में हो तो आप लोग मान लो कि सीएफ दिया हुआ है और हमें एफ निकालना है, यदि मध्यिका का केस है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मैं बता दूंगा आगे चल के। देखिए, इसमें हम लोग आवृत्ति देख लेते हैं, 8, 30, 40, 8, 30, 40, 12 एंड 10, ये एक प्रकार से आवृत्ति है हमारी। और इसका जो एन है ना वो है हमारा 100। एक तो आप लोग ये मान के चले कि ये जो है क्लियर स्थिति है कि एन हमारा 100 है। और बेटा जितनी जल्दी हो सके आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले स्टेप होता है बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग का मतलब है कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो आप लोग देख पाओगे कि 40 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 है। तो सबसे पहले तो आपको मॉड ग्रुप ज्ञात करना है, मॉड ग्रुप यानी बहुलक वर्ग। और आई थिंक यू कैन गेट इट वेरी इजीली, इसमें कोई मेजर इशू नहीं आना चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है यानी बहुलक का फॉर्मूला।
देखिए L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फॉर्मूला है। अब पहला काम तो आपको ये ज्ञात करना है कि ये L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, I क्या है। जैसे ही आप इनको ज्ञात करना सीख गए इसका मतलब आपको बहुलक आ गया। और ये कितना इजी है, आप लोग दसवीं में पढ़ चुके हो, नौवीं में पढ़ चुके हो और मेरे हिसाब में जब आप कॉलेज में आ गए इतने बड़े बच्चे हो तो आप लोगों के लिए तो ये कुछ है नहीं, जस्ट चॉकलेट टाइप का है, मतलब यू कैन क्रैक इट वेरी इजीली, है ना, बहुत आराम से आप लोग कर पाओगे इसको। अब देखिए L1 होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L1 क्या होता है, L1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मोड ग्रुप, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ये आप एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे अंक आएंगे, निचली सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। अब बहुलक वर्ग यदि हमारा ये है तो ये हमारा हो गया F1, इसको तुरंत ही लिख दो, और इससे पहले की F0 इसके बाद की F2, यानी F1 हमारी ये है तो F0 जो है बहुलक वर्ग से पहले की और F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद की, और I जो होता है हमेशा क्लास इंटरवल होता है यानी वर्ग अंतराल होता है, यानी 10। यहां पर जो है वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि I हम लोगों ने देख लिया, 10 आ गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है, और जैसे ही आप लोग इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये जो है आपका बहुलक आप लोग कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाओगे। और ये कितना आसान है आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो बेटा कि आपको 20 नंबर मिल जाएंगे 20 में से, और इतने आसान से सवाल में। देखिए L1 हमारा 20 है, आप लोगों ने देख लिया, F1 हमारा 40 है, F0 हमारा 30 है, इसके बाद 2F1 हमारा, फिर दोबारा आप देखोगे इंटू 40 माइनस 30 माइनस 12, ठीक है, और इंटू I। अब यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर लो, 20 अपना है ये, प्लस ऊपर आप देखोगे 10 बचा, 10 का 10 है ही, यहां पर ये 80 हो गया, और 80 में से आप लोग माइनस कर दो कितने, 42। अब 42 जैसे आप माइनस करोगे तो 20, और 20 प्लस आप लोग जैसे ही इसमें और आगे बढ़ोगे तो 100 में से ये गया तो 38। अब इसको आप लोग काट दो, जो वैल्यूज है उनको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे सामने 2 से आप कट करोगे तो 50 और 19 आ रहा है। इसके बाद आप लोग इसको पॉइंट्स में कैलकुलेट कर सकते हो तो 2 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, तो 22 पॉइंट समथिंग जो है इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है बहुत आसानी से जो है बहुलक ज्ञात कर सकते हो, और इससे आसान कोई तरीका मेरे सामने है नहीं जब आप कैलकुलेट करोगे तो। तो इसलिए आप लोग जो है कोशिश करें इनके प्रैक्टिस करने की, एक एक दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के रूप में अपना लें। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं बहुत बड़े वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले वीडियो बन रहा है तो आप लोगों का टाइम खराब ना हो, ये मुझे अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ रहा है बेटा। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, यू कैन रॉक स्टिल, यू कैन स्टिल रॉक, थैंक यू सो मच।